बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक मगफरत फरमाए हम सब तमाम मुसलमान मर्द औरतों बच्चों की। तो आज हम बनाएंगे कोफ्ता, बीफ कोफ्ता। बीफ कोफ्ते के लिए ये मैंने कोफ्ते लिए हैं जिनको फ्रीज किया हुआ है। तो इसकी रेसिपी फ्रीज करने की मैं आपको दे चुकी हूँ, तो अभी मैं आपको उसका लिंक देती हूँ। और लहसुन लिया मैंने 2 टेबल स्पून, हरा धनिया लिया, 2 टमाटर का पेस्ट लिया और 2 ही प्याज का पेस्ट लिया, गरम मसाले, जीरा, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी, काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च। तो चले इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, तो इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट दोनों शामिल करेंगे। तो पेस्ट मैंने सारी चीजों का इसीलिए बनाया ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बने। पहले इनको फ्राई करते हैं। ये देखो मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मर्च मसाले ऐड करते हैं। इसमें और साथ ही जाएगा इसमें टमाटर का पेस्ट। और अब इसी मसाले में आप आराम से कोफ्ते रख लें। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो फिर इसमें पानी ऐड करते हैं। तो इनको 2 से 3 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया। तो अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो इनको हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अंदर तक गल जाए। तो 2 ग्लास मैंने पानी ऐड किया। इसको लगाते हैं दम पे, इसको 15 मिनट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 10 से 15 मिनट हमारे रेडी हो चुके हैं। तो कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।